आज हम राउंड ऑफ करेंगे। सबसे पहले हम राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट पे। ये देखो, अब आपको ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, आपको सबसे पहले देखना है 10 का राउंड ऑफ करना है। 10 का हाफ क्या होता है? 5। तो सबका, हर नंबर का हम लास्ट वाला डिजिट जो है वो देखेंगे। सबसे पहले इधर देखो, 43,261 आपको दिया हुआ है। तो हमने लास्ट नंबर जो इसका लास्ट डिजिट है वो देखा, लास्ट डिजिट 1 है। अब 10 का जो हाफ होता है वो 5 होता है। अगर लास्ट डिजिट जो है वो 5 से छोटा है तो आपने सिंपली लास्ट डिजिट की जगह 0 लगा देना है और बाकी के जो आगे के डिजिट्स हैं वो वही रहेंगे। ठीक है, लास्ट डिजिट अगर 5 से छोटा है तो हम इसकी जगह पे आएगा 0 और बाकी के डिजिट जो हैं वो आपके वही रहेंगे। लेकिन अगर आपका जो लास्ट डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा है तो फिर इसकी जगह पे आएगा 0 और जो इसके साथ वाला डिजिट है उसमें हम प्लस 1 करेंगे। मीन्स ये 6 है तो 6 की जगह पे क्या आ जाएगा? 7, और आगे के फिर वही रहेंगे। अब इधर देखो, आपका लास्ट डिजिट 8 है तो 5 से बड़ा है, इसकी जगह पे 0, 5 में प्लस 1, 6, 9, 2, 7। लास्ट डिजिट जो है वो आपका 7 है तो 7 की जगह पे 0, 9 में हम प्लस 1 कर देंगे, 10 हो जाएगा। 10 पूरा नहीं आएगा तो 10 का 0 इधर, 1 कैरी ओवर इधर, इधर भी 1 कैरी ओवर इधर, इसका 1 कैरी ओवर इधर और यहाँ पे 5। अब नेक्स्ट हम करेंगे नियरेस्ट हंड्रेड्स। 100 का हाफ क्या होता है बच्चे? 50। तो अब हमने लास्ट वाले 2 डिजिट जो हैं उनको देखना है कि ये 50 से बड़े हैं कि छोटे हैं। अब 25 50 से छोटा है तो हमें इन दोनों की जगह पे सेम 0 और साथ वाले जो बाकी के डिजिट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन इधर देखो, अब लास्ट में जो आपके डिजिट्स हैं वो 65 50 से बड़ा है, इनकी जगह पे 0 और साथ वाले में प्लस 1। अब इधर देखो, 43 छोटा है 50 से तो इधर 0 और बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। इधर देखो, 73 50 से बड़ा है, इनकी जगह पे 0, 9 की जगह पे क्या हो जाएगा? 10। लेकिन 10 पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कैरी ओवर 1, 9 और 1 10, फिर 0 कैरी इधर 1, 6 एंड 1 7। अब हम करेंगे नियरेस्ट 1000 पे। 1000 का हाफ होता है 500। तो अब हम लास्ट के 3 डिजिट जो हैं इनको देखेंगे कि ये 500 से छोटे हैं कि बड़े हैं। अब ये देखो, 260 500 से छोटा है तो इसकी जगह पे आ जाएगा 0, तीनों की जगह पे आ जाएगा 0 और जो साथ वाले नंबर हैं इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इधर देखो, 562 अब ये 500 से बड़ा है तो इनकी जगह पे तो आ जाएगा 0, साथ वाले में हम ऐड कर देंगे 1 तो 8 की जगह पे 953। यहाँ पे 500 से बड़ा है, 0 0 0, 9 में 1 ऐड कर दिया 10, 0 इधर कैरी ओवर इधर 1, फिर 9 और 1 10, 0 इधर कैरी ओवर इधर 1, 7 और 1 8। यहाँ पे 945 500 से बड़ा है, 0, 2 प्लस 1 3 7। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर जो है आपका नंबर 5 से छोटा है तो आपने वहाँ पे चेंज नहीं करना, उनकी जगह पे आपका 0 आएगा और बाकी के जो आपके डिजिट हैं वो वही रहेंगे। बट आपका अगर डिजिट जो है वो 500 है या 500 से बड़ा है तो आपने जो है साथ वाले में प्लस 1 करना है। अब आपने सारे के सारे ऐसे ही सम सॉल्व करने हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर मेरे को बताओ।